ये देखें जी बस हसन भाई ने तितर पकड़ा हुआ है, अभी इसको जिबा कर रहे हैं माशाल्लाह। रवाना है शिकार पे, आज हम अपने दोस्तों के यहाँ आए हैं। ये देखें व्यूवर्स माशाल्लाह दो को टारगेट किया है, गुड हो गया जी। जी हाँ मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो ये देखें बहुत दूर से हमने कैमरे की रेंज से जूम किया हुआ है और जूम करके हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये देखें जी इस तरीके से तितर को शिकार किया जाता है। प्यारे व्यूवर्स तो आज हमारे गांव का वेदर देखें, हमारे गाँव का व्यू देखें। सुबह सुबह का टाइम है, अभी तकरीबन फजर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ मैं, और ये देखें व्यू हमारे गाँव का माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। रवाना है वीडियो पे, आज आप लोगों ने मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है माशाल्लाह। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। आज की वीडियो में गाइस हमारा ये टारगेट है कि आज हम तितर को टारगेट करेंगे, ढूंढेंगे उनको और उनको टारगेट करेंगे और वो आपकी वीडियो दिखाएंगे। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि वैद भी तितर भी दिखाओ हमें वीडियो में, तो आज इंशाल्लाह प्रूफ दिखाएंगे, तितर का शिकार करेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे हमारी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वहीद के ब्लॉग। तो उम्मीद करेंगे आप सब खैरियत होंगे। गाइस आज की जो वीडियो है ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी कमाल के होने वाले। आप लोग सोचेंगे कि यार वहीद भाई आज की वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है। गाइस आज की वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है, आज की वीडियो में हम जा रहे हैं तितर का शिकार करने डेजर्ट के एरिया में। आपको पता है कि तितर डेजर्ट में ही रहते, तो आज हम वहाँ जा रहे हैं, करेंगे हम स्पेशल तितर का शिकार और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि तितर को शिकार कैसे करते हैं। आज हम दो तरीके से शिकार करेंगे, एक होता है कि जो एक तितर को साथ ले जाते हैं उसकी आवाज़ें निकलवाते हैं और दूसरे दो चार जो होते हैं वो आते हैं, तो एक होता है कि जो सिंपल से शिकार करते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो काफ़ी एक्टिव और काफ़ी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और एक गाइस एक बात और है कि एक मेरे दोस्त हैं जो मुझे देखते हैं इंडिया बिहार से, ठीक है, उनका मैं नेक्स्ट जो वीडियो में नाम भी ले लूँगा, तो उनके फादर साहब हैं, उनके पास एक तितर है, वो भी कह रहे थे कि यार हम वीडियो भेजेंगे हमारे, अपनी वीडियो में क्लिप लगा दें। और एक मेरा दोस्त है जो सिंध में रहता है, पाकिस्तान सिंध में, उनका वालिद साहब है, उनकी जो एज है मैक्सिमम 65 ईयर प्लस, मतलब 65 साल की उनकी एज है, उनको शौक है तितर का और वो तितर को अपना बेटा बुलाते हैं। इस तरीके से उन्होंने उसकी देखभाल की हुई और वो जैसे सीटी बजाते हैं वैसे ही तितर आवाज़ें निकालता है। तो उनका जो छोटा सा क्लिप उन्होंने भेजा है मुझे एक मिनट का, वो मैं अपनी वीडियो में ऐड करूंगा। वो आप लोगों ने बताना है, देखना है और मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आया कि ये तितर कैसा है और ये उनका शौक़ कैसा है। यार शौक़ किसी का भी हो ना, उसको शौक़ को प्रमोट करना तो लाजमी चाहिए ना, शौक़ तो शौक ही होता है चाहे किसी चीज़ का भी हो। तो बाकी इंशाल्लाह चले वीडियो के साथ रहे। आज का मौसम गाइस ऐसा बना हुआ है कि ये देखें, कभी तो बादल आ जाते हैं, कभी हल्की हल्की धूप होती है। आज मैंने सोचा कि कुछ मुख्तलिफ लोकेशन में जाऊँ और अपने जो व्यू है गाँव का वो भी दिखाऊँ और यहाँ का व्यू दिखाता चलूँ। बाकी इंशाल्लाह जा रहे हैं वीडियो में, वीडियो के साथ रहें। आज के अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट लाजमी करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के साथ रहें। तो कहना मैंने साल का समाते धक लगते जी व्यूअर्स, तो ये आप लोगों ने ना बुजुर्ग की चेक करनी है कारी। कमाल देखिए क्या खूबसूरत भाई, वो सीटी बजाता है और यहाँ से ये आवाज निकालता है। बेटे की तरह बुला रहा है ना वो, देखिए चीज़ें भी वफ़ादार होती है, देखें कितनी वफ़ादार। ये हाथ से सिखाया हुआ है और उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया यार मेरी वीडियो में भी लाजमी लगाना और लाजमी हमारी ऑडियंस को दिखाना। शाबाश शाबाश, ये देखिए अल्लाह पाक इनके शौक को सलामत रखे माशाल्लाह।
प्यारे व्यूवर्स, तो आज हमारे गांव का वेदर देखें, हमारे गांव का व्यू देखें। सुबह सुबह का टाइम है, अभी तकरीबन फजर की नमाज़ पढ़ के आया हूं मैं, और ये देखें व्यू हमारे गांव का, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। रवाना है वीडियो पे। आज आप लोगों ने मेरी वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है। माशाल्लाह आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। आज की वीडियो में गाइज हमारा ये टारगेट है कि आज हम तित्तर को टारगेट करेंगे, ढूंढेंगे उनको और उनको टारगेट करेंगे और वो आपकी वीडियो दिखाएंगे। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि वैद भी तित्तर भी दिखाओ हमें वीडियो में, तो आज इंशाल्लाह प्रूफ दिखाएंगे, तित्तर का शिकार करेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे हमारी वीडियो के साथ में। गुड शॉट। जल्दी जा, जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ पे गाइस जी हाँ भी बस, तो डैमेज हुआ है, उसको चोट लगी है, लेकिन ना वो आपको पता है कि जब उड़ नहीं सकते ना, पंख टूट जाए तो वो भाग सकते हैं ना, पाँव से आगे भाग गए। ये दो को हमने पहले टारगेट करके रखा था, तो ये हम दिखा देते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, दो को हमने टारगेट किया माशाल्लाह, इनके शॉट जो इनको दूर से लगाए थे, पहले शॉट में ही आए हुए हम डेजर्ट में शिकार करने के लिए, और माशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यू है यहाँ का। और यहाँ पर एक वो भाई पकड़ के ले आए, ये देखें जी गुड हो गया जी, ये ज़िबा कर रहे हैं भाई लोग। ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, खूबसूरत दोस्त हैं, इनके पास मैं आया हूँ। ये भी अदनान भाई हैं, इनके पास मैं आया हूँ शिकार। जी दोस्तों, तो ये तीन तकरीबन तीतर मैंने हिट किए हैं एक ही स्पॉट पे, जो है मेरे ख्याल से एक ही शायद शॉट मेरा मिस हुआ है, या वो भी मेरे ख्याल से नहीं हुआ, लेकिन ये तीन एक ही जगह से हिट किए हैं जी। अभी दोस्तों, अभी जो हम शिकार करने जा रहे हैं वो कुछ मुख्तलिफ तरीके से तीतर का। ये देखें गंदम के दाने, ये पहले फेंके जाएँगे यहाँ पर, नीचे थोड़े से डाले जाएँगे, उसके बाद ना यहाँ पे जो तार होती है उसको सेटिंग से लगाया जाता है। अदनान भी तार दिखाएं, तार सामने लेकर आएं, वो नीचे तार लगी हुई गाइस, ये देखें। ये हम बहुत दूर से बैठकर ज़ूम करते हैं, आप ये नहीं सोचेंगे कि करीब से करीब बैठे हों तो तितर नहीं आते। ये ऐसा ऐसा आगे जाएगा दाने की वजह से, ये देखें ऐसा ऐसा जा रहा है आगे। इनको पकड़ने के लिए बहुत एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये मैंने क्लिप काट के किया है छोटा, लेकिन ये बहुत टाइम बाद, एक घंटे के मैक्सिमम बाद यहाँ पे आया है। वो भी एक वॉइस होती है तीतर की, वो चलानी पड़ती है, उसके बाद आते हैं। ये गाइस केपीके का इलाका है, यहाँ पे आने के लिए परमिशन लेनी लाजमी है, ज़रूरी है कि परमिशन के बगैर यहाँ पर आप लोग नहीं आ सकते। ये देखें माशाल्लाह, ये आराम आराम से ना दाने खाते आ खाता जाएगा आगे। जो भी कैमरा को थोड़ा नीचे करें, ये उड़ नहीं जाए, कैमरे को वाइब्रेशन में आएगी तो। ये देखें जी आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें नीचे ये लगा हुआ है, पट्टी लगी हुई है ना नीचे पाँव में, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये पाँव ऊपर रखेगा फिर ये वापस नहीं भाग सकेगा। ये देखें चला जा, ये पहुँच गया गाइस, अभी डर रहा है ना नीचे, देखें आप, उसको भी इतना पता है कि नीचे कुछ लगा हुआ है, लेकिन अभी अभी जैसे डरेगा ना अभी पीछे हटेगा।
ये देखें, ये इसके लिए होती है खूबी, ये जब डर जाता है तो ये देखें वो अटक गया उसके अंदर। ये देखें गुड हो गया जी यार, इनका ये तरीका मुझे बहुत पसंद आया। इन्होंने बताया कि यार ऐसे इनको, ये देखें माशाल्लाह पकड़ लिया गाइस, गुड हो गया।